हेलो दोस्तों, थिंक बिग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टी हार्व एकर की लिखी बुक द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। टी हार्व एकर एक बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं। वे कहते हैं, आप मुझे अपने साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता दूंगा कि आपकी जिंदगी भर का फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा और आप अमीर बन पाएंगे या नहीं। और वो इस बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनेयर, बिलियनेयर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि दुनिया के बेस्ट मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है। टी हार्व एकर इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीख के हम भी रिच और सक्सेसफुल बनने के अपने सपने को सच में पूरा कर सके, जिसे वो खुद फॉलो करके मिलियनेयर बने हैं। दोस्तों, ऑथर यहाँ शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो है TFAR। दोस्तों, टी का मतलब थॉट्स, एफ का मतलब फीलिंग, ए का मतलब एक्शंस और आर का मतलब रिजल्ट्स। यानी कि हमारा थॉट्स हमारे फीलिंग को जन्म देता है, हमारे फीलिंग्स हमारे एक्शन को जन्म देता है और हमारे एक्शन डिसाइड करता है कि रिजल्ट क्या होगा। इसे ठीक से समझते हैं कि हमारे थॉट्स और फीलिंग हमारे एक्शन और रिजल्ट को कैसे इफेक्ट करता है। अगर आप पैसे सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हो कि यह पैसे मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लेंगे और आप पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग के साथ। और दोस्तों, आखिर में क्या होगा, वो बुरा वक्त जरूर आएगा, लेकिन वही आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट के साथ एक्शन लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते और आपके एक्शन भी उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसे कमाते हैं और रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीज पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पे गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। दोस्तों, इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपको लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ के जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसा और क्या फल आएगा। पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लें। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से प्रोग्रामिंग होती है। पहला, वर्बल प्रोग्रामिंग। बड़े होते समय आपने धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे, पैसे ही सारी बुराई का जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं? अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते, पैसे खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा गंदा होता है, पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। दूसरा, मॉडलिंग। आपने बचपन में क्या देखा था? जब आप बड़े हो रहे थे, पैसे के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा से मैनेजमेंट किया या खराब मैनेजमेंट किया? वे फजूल खर्च थे या किफायती थे? वे चतुर निवेशक थे या निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या फिर इसके लिए हमेशा बहस होती रहती थी? ये जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? शायद आपने यह कहावत सुनी होगी, बंदर जैसा दिखता है वैसा ही करता है। इंसान भी ज्यादा पीछे नहीं है, बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। तीसरा, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। आपने बचपन में क्या अनुभव किया था? बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देता है, जिसके अनुरूप आप जी रहे हैं। अब हमें पता चल गया है कि हमारा ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। इस ब्लूप्रिंट के बदलने के लिए ऑथर हमें 17 तरीके दे रहे हैं,
जिनसे यह पता चलता है कि अमीर लोग गरीब और मध्यवर्गीय लोगों से अलग तरह से कैसे सोचते और काम करते हैं। इस वीडियो में हम बेस्ट 7 तरीकों के बारे में बात करेंगे। पहला तरीका, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपने लाइफ खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं लाइफ में मेरे साथ घटनाएं होती है। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नजरिया नहीं है। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी योग्यता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग विक्टिम की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर मैं बेचारा हूँ होता है, इसलिए इरादों के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। यह असफलता के तनाव को कम करती है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते या शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद जरूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। दूसरा तरीका, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। ऑथर पूछते हैं, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं, दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसा, अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। यदि आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक, इससे एक भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तीसरा तरीका, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से ये पूछें कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हैं। वो कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर बनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में दौलत के बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती है जो उसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। कई लोगों का धन का ब्लूप्रिंट उन्हें बताता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा, और यह भी बताता है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। इसका एक हिस्सा खुशी से कहता है, ज़्यादा पैसे का मतलब है जिंदगी में ज़्यादा मज़ा, लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मज़ा है। एक हिस्सा कहता है कि मैं दुनिया भर के सैर कर सकूँगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण है जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। चौथा तरीका, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं, उनका दिमाग लगातार यह खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है और क्या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अक्सर यह काम नहीं करेगा। मध्यवर्गीय लोग की मानसिकता होती है, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। और अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाली परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इन मानसिकता से काम करते हैं, यह काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। पांचवा तरीका, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। गरीब लोग अक्सर दूसरों की सफलता को द्वेष और ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखते हैं, या वे कहते हैं वे बहुत खुशकिस्मत है
या फिर बुदबुदाते हैं घटिया अमीर लोग। आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह प्रकार या आकार से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आप वैसा व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? कई गरीब मानते हैं कि अमीर लोगों के कारण वे गरीब हैं। हाँ, यह सही है, अमीर लोगों ने सारा पैसा हड़प लिया, इसीलिए मेरे लिए कुछ नहीं बचा। जाहिर है यह पीड़ित व्यक्ति का आदर्श वाक्य होता है। छठा तरीका, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी यह खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीति की नकल करना है। अगर आप उनके जैसा काम कर सकें और उनके जैसे मानसिकता रख सकें तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसा परिणाम भी मिलेंगे। जब गरीब लोग दूसरे की सफलता के बारे में सुनते हैं तो अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कैसे कुछ सीख सकते हैं या प्रेरणा कैसे पा सकते हैं? कुछ समय पहले ऑथर से किसी महिला ने पूछा, अगर मैं सकारात्मक हूँ और तरक्की करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पति बिल्कुल नकारात्मक है तो मैं क्या करूँ? क्या उसे छोड़ दूँ या फिर उसे बदलने की कोशिश करूँ? ऑथर ने जवाब में कहा, पहली बात, नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत न उठाएं। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश न करें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपने जिंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने, फिर शायद, और मैं शायद पर जोर देता हूँ, वे आप में रोशनी देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। एक बार फिर, ऊर्जा संक्रामक होती है, अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है। जब आसपास प्रकाश हो तो लोग को दरअसल अंधेरे में रहने में बहुत मुश्किलें आती है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहें। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें बता दें। सातवां तरीका, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत सारे मोड़, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसलिए ज्यादातर लोग इस पर नहीं चलना चाहते। वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते, इसीलिए वो इन सब चीजों से भागते रहते हैं और कभी अमीर नहीं बन पाते। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर देते हैं। वे कंगाल और दुखी हैं। सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। ऑथर की एक मशहूर लाइन है, आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं। सही होने से ऑथर का मतलब है सोचने और जीने के अपने पुराने तरीके पर अड़े रहना। दुर्भाग्य से यही वो तरीका है जो आपको वहां तक लाए हैं जहां आप इस समय हैं। यह दर्शन सुख पर भी लागू होता है। आप सही हो सकते हैं या आप सुखी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उठना उम्मीद उड़ान, मैं हूँ चंदन, साइनिंग ऑफ़।